तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होता है भैया? तो माइक्रोस्कोप जो है पास की चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है। तो ये एक बकेट है, तो अगर एक बकेट है ये वाला और ये खाली है, खाली मतलब क्या होता है भाई? खाली मतलब पानी वानी नहीं भरा है, एयर ओवर होगा, वैक्यूम होगा। तो ये बकेट है और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है। लेट अस कंसिडर, हियर इज ऑब्जेक्ट, इट इज़ द क्वाइन। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और माइक्रोस्कोप ऊपर से देख रहा। ऊपर से मतलब ऐसा कुछ, यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा इस ऑब्जेक्ट को। तो आई होप कि आपको फील आ रहा होगा। तो इस माइक्रोस्कोप को मैं देख रहा हूँ और दिस इज़ द हाइट ऑफ बकेट। लेट अस कंसिडर एच इज़ द हाइट ऑफ बकेट और अभी इधर एयर है या वैक्यूम है, ठीक है ना। चलो तो ये तो कहानी थी, बॉटम देखा जा रहा, दिस इज द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट था, ठीक है। इफ द लिक्विड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4y/3 इज पुट इन बकेट, देन माइक्रोस्कोप हैड टू राइज 30 सेंटीमीटर एबव द ऑब्जेक्ट अगेन। मतलब अगर इसी बकेट में मैं पानी भर देता हूँ, तो चलो दिस बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन अगर मैं इस बकेट में पानी भर देता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है, दिस इज़ फुल ऑफ वाटर, तो ये जो माइक्रोस्कोप है यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि टू सी द फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो माइक्रोस्कोप को, तो ये जो शिफ्टिंग है, दिस शिफ्टिंग इज गिवेन, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पानी इसमें भरा गया, जो वाटर भरा गया, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। हियर इज द 5/3। देन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बकेट। मतलब हाइट ऑफ लिक्विड का क्या मतलब होता है भाई? तो हाइट ऑफ लिक्विड इन द बकेट मतलब बकेट की हाइट पूछ रहा है, पूरा भरा है, ठीक है। ये कैसे पता चला? इफ द लिक्विड राइज टू इफ द पोर्ड इन वाटर, में मतलब पूरा भर दिया है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जब पूरा भर दिया है, तो ये अब पानी भरने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखाई देगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं, अब इसका इमेज दिखेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो ये इसका अपेरेंट डेप्थ, तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज क्या बोली जाती है भाई? शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट। तो ये कितनी, ये तो ये जितनी शिफ्ट है उतना ये वाली डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट होगा उतना माइक्रोस्कोप को हमें ऊपर मूव कराना पड़ेगा, जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब ये वाली चीज़ बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक लॉजिक क्लियर हुआ, तो शिफ्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 सेंटीमीटर। अब शिफ्ट कैसे निकालते हैं? तो शिफ्ट निकालने के लिए तुम अगर बात करोगे तो ये वाला जो है, ये एच जो है दैट इज़ द रियल डेप्थ, रियल एच जो है वो रियल डेप्थ है। और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये जो चीज़ है वो अब इमेज बन जाएगी ना, इमेज देखेगा उसको। तो ये जो है एच डैश, ये वाली जो चीज है एच डैश, तो एच डैश की वैल्यू क्या है? अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। तो अगर मैं शिफ्ट की बात करूंगा तो यहाँ से जो शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी शिफ्ट रियल डेप्थ एच माइनस एच डैश, ठीक है। और एच डैश अपेरेंट डेप्थ की जो वैल्यू आ जाएगी, एच डैश की वैल्यू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू होता है, तो एच अपॉन म्यू की वैल्यू आ जाएगी एच डैश, ठीक है। तो यहाँ से जो शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट दैट इज एच माइनस एच अपॉन म्यू, तो यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/μ यहाँ बच जाएगा, और इसकी वैल्यू 30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 है और दैट इज एच है, और 1 - μ की वैल्यू कितना है? 5/3, तो ये आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करना फटाफट आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2h/5,
और दैट इज 30, ठीक है। तो ये कट जाएगा 15 टाइम, ठीक है। तो जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 75, ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, मतलब बकेट की हाइट या जो पानी भरा जाएगा वो 75 मतलब भरा जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने कैलकुलेट कर ली, दिस इज द बेसिकली दिस हाइट। अगर मान लो बकेट खाली भी होगा, समझ रहे, ये बकेट की हाइट इतनी है, खाली है, तभी भी अगर इससे इस हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एयर है मेरे भाई, ठीक है। तो चाहे फुल भरो चाहे आधा भरो, लेकिन मैं जो है पानी को पूरा भर दिया था, तो इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।